सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज 24x7 को और दबाए इस बेल आइकन को। होली का त्योहार हो और फिल्म सिलसिला का सॉन्ग रंग बरसे जेहन में ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। फिल्म सिलसिला का यह गाना बॉलीवुड के सबसे फेमस होली सॉन्ग में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्म आए गए इस सॉन्ग से जुड़ा एक विवाद भी है जिसने ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। गाने पर विवाद इसके राइटर को लेकर है। हमेशा से रिपोर्ट्स में ये देखने को मिलता है कि अमिताभ बच्चन की आवाज में गाए गए इस गाने को उनके बाबूजी हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, जबकि सच्चाई यह है कि वे इस सॉन्ग के राइटर नहीं है। हालांकि खुद अमिताभ ने कभी रिपोर्ट्स में आ रहे झूठ के खिलाफ कुछ नहीं कहा, वे हमेशा इस मामले में चुप रहे। रंग बरसे का इतिहास फिल्म सिलसिला से भी कई साल पहले का है। दरअसल ये एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत है जिसे अमिताभ बच्चन अपने स्ट्रगल के दौर में आरके स्टूडियो की होली पार्टी में गाया करते थे। बाद में जब यश चोपड़ा ने 1981 में सिलसिला बनाई तो तब म्यूजिक डायरेक्टर शिवहरी की सलाह से बाद उनकी आवाज में ही यह सॉन्ग फिल्म में डाल दिया।